हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फेडरल बैंक से कैसे होम लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे ये कुछ इस तरह से आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा एक दिखेगा पर्सनल का दूसरा है एन का और तीसरा है बिजनेस का तो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है पर्सनल का इस पर आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे जाएंगे नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन्स का सेक्शन दिखेगा लोन्स वाले सेक्शन में ऊपर से आप देख सकते हैं पर्सनल लोन्स है नीचे गोल्ड लोन्स है कार लोन्स है और इसके नीचे है हाउसिंग लोन्स तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है जैसे आप एक बार इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा और ये पेज आपका होगा होम लोन का अब थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दिखेगा जैसे आप ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं अगर कोई प्लॉट ले रहे हैं तो इसके लिए होम लोन ले सकते हैं प्रोपर्टर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके लिए भी होम लोन ले सकते हैं अब होम लोन अप्लाई करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आप होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेगा और इसके आंसर भी आपको दिखेंगे जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ होम लोन तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज द ऑफ अ होम होम लोन लोन तो के लिए की अगर हम बात करते हैं तो तीस साल आपको दिया जाएगा अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर के लिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्लिक हेयर इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर आप सभी को बताएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड चाहिए तो यहाँ पर आप देखते हैं तो के डॉक्यूमेंट के लिए थोड़ा सा मैं क्लिक करता हूँ आपको दिखा देता हूँ आप खुद से आप देख सकते हैं तो टू पासपोर्ट साइज फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ एज प्रूफ और सर्टिफाइड कॉपी पासपोर्ट वीज़ा आईडी कार्ड सी के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो आपके पास होने चाहिए दोस्तों तो आप किस तरह के पर्सन हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकम डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाने होंगे जैसे रेसिडेंट सैलरी रेसिडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन रेसिडेंट सेलरीड नॉन रेसिडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड तो इन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसके बाद अगर नीचे देखते हैं तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर आपको दिखाने पड़ेंगे अब आते हैं बैक बैक आने के बाद और मैं आप सभी को दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है इसके बाद है इंटरेस्ट रेट तो इंटरेस्ट रेट अगर आप देखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर बैंक एंड आरबीआई रेट यहाँ पर दो तरीके से फिक्स फिक्स होता है है एक तो बैंक आपको करके दे देगा कि इंटरेस्ट रेट वही आपका तीस साल तक चलेगा दूसरा है फ्लेक्सिबल यानी आरबीआई के रेपो रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है तो ऑप्शन अगर हम देखें तो रीपेमेंट का है तो रीपेमेंट आप ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं अब ई क्या होता है तो ई में आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट रेट इंक्लूड रहता है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है तो दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ जैसे कि मैंने ऊपर में आप सभी को बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके दो तरीके से फिक्स होते हैं तो एक यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स्ड है यानी बैंक के थ्रू आपको फिक्स कर दिया जाएगा तेरह 14% परसेंट जो भी बैंक लेगा उस समय रेपो रेट के अकॉर्डिंग और इसके बाद एक है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट तो ये डिपेंड करता है आर के रेपो रेट पर अगर रेपो रेट घटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम जाएगा अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो रेपो रेट क्या होता है तो आर सेट करता है रेपो रेट तो ये भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि हाउ आई कैन कैलकुलेट होम लोन ई अब दोस्तों सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं जो लोन ले रहा हूँ उस पर ई वगैरह आपको क्या लगने वाला है तो ये मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पहुँच जाऊँगा एक नए पेज पर अब तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और लोन का टर्म क्या होगा ये आपको डालना है जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाल करके रखा है पाँच लाख रुपया का हम लोन ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पर डाला है आठ परसेंट और टेन्यूर की अगर हम बात करते हैं तो दस साल हमने यहाँ पर डाला है अब नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा कैलकुलेट का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा कि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको क्या लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छः हज़ार छियासठ रुपये मुझे एवरी मंथ ईएमआई के तौर पर देना होगा साथ में यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट दो टोटल यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है तो यहाँ पर सात लाख सत्ताईस हज़ार नौ सौ छियासठ रुपये मुझे टोटल पे करने होंगे अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाएगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है और बैलेंस टू बी पेड तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब मैं बैक आता हूँ बैक आने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोन लेने के लिए वो है प्रोसेसिंग फ़ी अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ी होता है यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर चार्जेस है जैसे कि आप ले रहे हैं हाउसिंग लोन तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग फीस जीरो पॉइंट फाइव जीरो परसेंट से ले करके दो लाख रुपए तक का यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज आपको मैक्सिमम लगने वाला है अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोन कैसे लेंगे तो थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नंबर शो हो रहा होगा यह नंबर आप लोग नोट कर लीजिए इस नंबर पर करना है आपको कॉल बैंक के एम्प्लॉय आपसे बात करेंगे और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे उस इंफॉमेसन को लेने के बाद बैंक आपको बता देगा कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं अगर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे तो फेडरल बैंक के नज़दीकी ब्रांच में आपको बुलाया जाएगा और लोन का सारा प्रोसेस वहाँ से किया जाएगा और चौबीस घंटे के अंदर लोन का अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो सिंपल सा प्रोसेस है यदि आप फेडरल बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप फेडरल बैंक से होम लोन ले सकते हैं